डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संयुक्त नागरी जयंती समारोह 2018 14 एप्रिल आणि 15 एप्रिल 2018 स्थळ दीक्षाभूमी नागपूर 15 एप्रिल 2018 दुपारी 1 वाजता युवकांचा परिसंवाद भारतीय युवकांचे भवितव्य सायंकाळी 5:30 वाजता महिलांचा परिसंवाद नवराष्ट्र निर्माणाकरिता महिलांची भूमिका माननीय डॉक्टर इंदू चौधरी आग्रा माननीय जीजा राठोड जळगाव आयोजक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संयुक्त नागरी जयंती समिती नागपूर कह रही थी कि आप लोग इस बात को बहुत जो साहब कांशीराम का जो हाथी था आज भले हाथी बैठ गया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि साहब कांशीराम कहते थे हाथी एक बार बैठ जाता है तो उसको खड़ा करने में थोड़ा टाइम लगता है क्यों क्योंकि बड़ा होता है ना हाथी का शरीर बहुत भारी होता है तो बैठ जाता है तो टाइम लगता है साहब कांशीराम कहते थे ये मेरा बहुजन समाज हाथी के समान विशाल है लेकिन जातियों में ऐसा बटा हुआ है कि भंगी से चमार कहेगा मैं तुझसे ऊंचा चमार से महार कहेगा मैं तुझसे ऊंचा महार से पासी बोलेगा तू कैसे ऊंचा तुझसे ऊंचा तो मैं उससे बोलेगा कुनबी तू कैसे ऊंचा तुझसे ऊंचा तो मैं उससे बोलेगा मराठा तू कैसे ऊंचा तुझसे ऊंचा तो मैं उससे बोलेगा गरड़िया तू कैसे ऊंचा तुझसे ऊंचा तो मैं फिर अहिर यादव बोलेगा तू कैसे ऊंचा तुझसे ऊंचा तो मैं लोहार सुनार कहार सब लोग एक दूसरे से ऊंच नीच में लगे रहिए और जिसने हमको इस जाति व्यवस्था में बांटा वो आज हमारी खोपड़ी पे बैठ करके राज कर रहा है साहब कांशीराम इस बात को कहते थे कि ये मेरा बहुजन समाज हाथी के समान विशाल है लेकिन जाति व्यवस्था में ऐसा बटा है कि इसको अपनी शक्ति का एहसास नहीं हो पा रहा है इसीलिए साहब ने कहा था कि जिस दिन हमारे इस बहुजन समाज को अपनी शक्ति का एहसास हो जाएगा बैठा हाथी फिर से उठ के खड़ा हो जाएगा और जिस दिन हाथी फिर से उठ के खड़ा हो गया ना ये जितना पों 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 माइक लगा के झूठे लोग चिल्लाते हैं ना नेता 56 इंच का सीना ये सब उसी हाथी के पैर तले कुचल के रह जाएंगे और मैं ये झूठी बात इसलिए बोल रही हूँ ये झूठे लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वो धरती है जहाँ 1 जनवरी 1818 को 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया पूरी पेशवाइयत राज का खत्म कर दिया था मैं अंग्रेजी की टीचर हूँ गणित मेरी बहुत कमजोर है भैया लेकिन थोड़ा बताइए 500 को जरा 28,000 से भाग देंगे तो कितना आएगा 56 तो 56 इंच का सीना किसका हुआ आपका हुआ और हमारा हुआ तो ये झूठे लोग हैं ना जो बोलते हैं 56 इंच का सीना ये 56 इंच का सीना किसके दम पे बोलते हैं पता है ये 56 इंच का सीना जो हमारी हमको जातियों में बांट के रखा है उसके दम पे बोलते हैं क्यों क्योंकि आप हमेशा इनके लिए लेबर का काम करते हो साहब कांशीराम ने आपको वोट की ताकत का एहसास कराया बोले तुम बहुजन हो बहुजन का मतलब होता है जिसकी संख्या ज्यादा हो और हमारी संख्या ज्यादा है हमारी ये बहन बैठी हुई है नकाब लगा करके आप और हम और आप बहन जी और आप हम सब लोग मिल करके 85% हैं 85% बहुजन समाज है साहब कांशीराम ने इस 85% बहुजन समाज को इकट्ठा करने का प्रयास किया था और इसीलिए हमको राज सत्ता में भागीदारी का नारा दिया था 15 और 85 का नारा दिया था और कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी लेकिन ये नारा शुरू हुआ था मंडल कमीशन के दौरान 85% समाज को उसके बहुजन होने का एहसास कराया था लेकिन ये लोग चुप थोड़ी बैठते हैं जो मनुवादी व्यवस्था को भरभराने का काम बाबा साहब ने किया था अधिकारी बन के बड़ौदा के महाराज के यहाँ पहुँचने का उसी काम को जब साहब कांशीराम ने शुरू किया तो इन लोगों ने हमेशा हमारे पीछे लग जाते हैं ये हमेशा हमारे पीछे लग जाते हैं और ये फिर से पीछे लग गए क्योंकि ये ध्यान रहे कि 1950 से पहले हमको मंदिर में प्रवेश की इजाज़त नहीं थी 1950 के बाद संविधान लिखने के बाद हमारे बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया तो हमारी जिम्मेदारी थी ना
हमारे बाबा साहब ने संविधान लिखा था, हमारी जिम्मेदारी थी संविधान पढ़ने की, लेकिन हमने तो संविधान छोड़ करके कहा मंदिर में हमको प्रवेश की इजाजत मिली है। कमीशन चल रहा था, मंडल कमीशन का आंदोलन चल रहा था, उस मंडल कमीशन पे हमको कमंडल थमा दिया गया। हम बाबा साहब का संविधान छोड़ करके कमंडल थाम लिए, बाबा मान्यवर साहब हमको राजा बनाना चाहते थे और हम काज में आ गए, यानी कार सेवक बन गए और हम गुलामी की तरफ आ गए, क्योंकि उनका एक ही ध्येय है येन केन प्रकारेण, चाहे जैसे भी हो केवल वो आपके ऊपर शासन सत्ता हासिल करना चाहते हैं। और ये काम वो करते हैं आपके वोट से, आपको आपकी वोट की कीमत का एहसास नहीं है, इस वजह से वो लोग ऐसा करते हैं। नहीं तो जिनके पुरखों में योग्यता नहीं थी संविधान लिखने की, थे तो नेहरू जी, थे तो हेडगवार जी, थे तो गांधी जी, थे तो पटेल जी, क्यों नहीं लिखवा लिया संविधान, क्यों एक अछूत से संविधान लिखवाया, ऐसी कौन सी मजबूरी थी। जिनके ही पुरखों में योग्यता नहीं थी संविधान लिखने की, आज उनकी नालायक संतानें भारत के संविधान को खत्म करने की बात करती हैं। तो एक बात बताइए, हम बाबा साहब के वैसे बच्चे तो नहीं, लेकिन बाबा साहब के मानस बच्चे तो हैं। मानस बच्चे का मतलब होता है माइंड, यानी दिमाग के पुत्र और पुत्रियां तो हम लोग हैं। आज बाबा साहब के मानस पुत्रों आप लोगों का क्या इतना जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो सारे मिलके आपके बाबा साहब के संविधान को खत्म कर रहे हैं, और क्या हम सारे लोग मिलकर के बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो उस संविधान की लड़ाई को आप कैसे लड़ोगे, ऐसे बैठ के थोड़ी लड़ोगे, ऐसे बैठ के थोड़ी लड़ोगे, वो ऐसे लड़ोगे, अपनी वोट की शक्ति का एहसास कराइए। 2019 का इलेक्शन सर पे है, 2019 में अपनी वोट की शक्ति का एहसास कराइए और महाराष्ट्र में अपने सारे संसद चुन करके लेकर के जाइए, तब जा करके आपका आरक्षण, आपका वोट, आपका संविधान बचाने की लड़ाई में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं। जब तक राजा नहीं बनेंगे आप यूनिवर्सिटी के लिए लड़ते रहोगे, प्रमोशन आरक्षण के लिए लड़ते रहोगे, वोट के अधिकार के लिए, ईवीएम मशीन के लिए लड़ते रहोगे, और वो काम अपना धीरे धीरे करते रहेंगे। इसीलिए साहब कांशीराम ने हमको राजा बनने की जो चाबी हमको सौंप के गए हैं, इसको आप और हमको सार्थक करना है, क्योंकि अभी यूपी में तो आप सरकार जान ही रहे हैं किन लोगों की है, वो जोगी योगी कपड़ा पहन करके, नाम भी उनका वही है, कपड़ा भी वही पहन के रहते हैं। अभी एक महीना पहले की बात है, मैं यूपी की बात आपको बताऊं, एक ऐसा स्टेज लगा था, मुख्यमंत्री जी भी बैठे थे, उनके बगल में कोई नंदी करके मुख्यमंत्री जी हैं वो भी बैठे थे, और बगल में 2-3 लोग और बैठे थे, और वो बोल रहे हैं, उनका मंत्री बोल रहा है मुख्यमंत्री के सामने, आधुनिक रामायण का दौर शुरू हो चुका है। बोले कि इस आधुनिक रामायण की सूपनखा है मायावती, बोले आधुनिक रामायण के हनुमान है हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, फिर बोलते हैं आधुनिक रामायण का श्री राम है मोदी जी, प्रधानमंत्री जी। अगले दिन जब हम लोगों ने पढ़ा तो गुस्सा तो बहुत आया कि हमारी बहन जी को उन लोगों ने सूपनखा बोला, लेकिन 2 ही दिन के बाद यूपी में बाईपोल इलेक्शन जो है डिसाइड हुए, गोरखपुर और लोकसभा की सीट का इलेक्शन का जो रिजल्ट आया, और जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो हमको याद आया कि इनको क्यों रामायण याद आ रही थी, क्योंकि जो बरसों पहले 1985 में साहब कांशीराम का नारा था ना, साहब कांशीराम के समय में DS4 का नारा था इनफैक्ट, कि मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो इसीलिए हमको समझ में आया भैया कि ये बाई पोल्स में हवा में उड़ गए फूलपुर और जो है गोरखपुर सीट पे, तब हमको समझ में आया कि इनको रामायण क्यों याद आ रही थी। तो एक बार सोच के देखिए कि ओबीसी भाई लोग यूपी में इकट्ठा हो गए, सारे शेड्यूल कास्ट बिरादरी यूपी में इकट्ठा हो गई, और उस नारे को केवल 2 सीट पे हमने सार्थक करके दिखाया। अगर आप महाराष्ट्र में एका बना लीजिए, इकट्ठा हो जाइए, तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारे बहुजन समाज की सरकार आपके महाराष्ट्र में न बन पाए। हमारी कमी है, यह हमारी कमजोरी नहीं तो और क्या है। हमको मान्यवर साहब राजा बनाना चाहते थे और हम प्रजा बन के ही खुश हैं, हम सेवक बन के ही खुश हैं, क्यों गुलाम बनना चाहते हो यार। आजादी मिली है, संविधान ने दी है, किसी की बपौती थोड़ी है, हमें बाबा साहब ने आजादी दी है, आप भी आजाद महसूस कीजिए, और उस आजादी का फायदा केवल बिंदी चूड़ी मेहंदी और ये सब लगाने में मत कीजिए। उस आजादी का फायदा भैया केवल घर में पिज्जा बर्गर बच्चों को खिला के मत लीजिए, उस आजादी का फायदा भैया बड़ा बड़ा सोने का यहाँ बहुत देखते हैं, पहन करके आदमी लोग भी घूमते हैं, उस आजादी को मत महसूस कीजिए। बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियों में घूमने में कोई आजादी नहीं है, वो दिन रात काम कर रहे हैं आपके संविधान को खत्म करने के लिए। तो क्या आप रोजाना 1 घंटा या 2 घंटा नहीं दे सकते हैं अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए?
क्या आप एक घंटा दो घंटा नहीं दे सकते? आप बहुत बिजी हो, आपका बच्चा IIT की तैयारी कर रहा है, आपका बच्चा MBBS की तैयारी कर रहा है, बहुत बिजी है आपकी वाइफ, बच्चे को नया नया डिश बना के खिलाती है, बच्चे के लिए नौकरी करती है, पैसा कमा के लाती, बहुत बिजी है। लेकिन ये सारी बिजीनेस अगर धरी की धरी रह जाएगी अगर भारत का संविधान खत्म हो गया तो इससे पहले ये नौबत आए, इससे पहले ये नौबत आए आप इकट्ठा हो जाइए, क्योंकि फिर से चुनाव आ रहा है और फिर से ये लोग नारा देंगे, सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ, तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है, फिर से बोलेंगे तुम्हारा दुश्मन मुसलमान। मुझे केवल एक बात का जवाब दीजिए कि अखिलेश यादव इससे पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, हम लोग उनको अखिलेश भैया बोलते हैं, अखिलेश भैया मुख्यमंत्री का पद जब छोड़े थे उस समय जो नए मुख्यमंत्री जी उनके घर में गए, घर में जाने से पहले घड़ा घड़ा भर गंगा जल मंगा के उस घर को धोया गया, उसके बाद ब्राह्मण बुला के दिया बाती सुलगा के गाय का पेशाब छिड़कवा करके उस घर को पवित्र किया गया, तब उसमें नए मुख्यमंत्री जी गए। यहाँ तक कि हमारे अखिलेश भैया जिस कुर्सी पे बैठते थे उस कुर्सी को भी तोड़ दिया गया, पहले तो उसको पवित्र किया गया, बाद में लगा कि नहीं पवित्र हो पाएगी, फिर उस कुर्सी को तोड़ दिया गया और नए मुख्यमंत्री के लिए नई कुर्सी आई। हमारी बहन जी जब वहां मुख्यमंत्री बनती है तब भी ये लोग बोलते अरे चमैनिया बैठ गई है, मतलब उसको उनकी जाति योग्यता जो है ना या जाति से वो निर्धारित करते हैं। तो आपकी और हमारी क्या औकात है बताओ, आपके पास क्या होगा? बहुत होगा दो मकान होगा प्राइवेट, बहुत होगा कि बहुत अच्छी अच्छी दो तीन तो गाड़ियां होंगी, बहुत होगा तो दो चार तोले सोना होगा आपके पास, इससे ज्यादा क्या है आपके पास बताइए? इससे बड़ी तो हैसियत नहीं है ना, जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री है उससे बड़ी हैसियत तो नहीं है ना आपकी। और जब उस मुख्यमंत्री की हैसियत वालों के साथ में वो ऐसा बर्ताव करते हैं तो सोचिए कि वो आपके बारे में किस तरीके की सोच रखते हैं। इसी सोच की मैं बात कर रही हूँ, वो रात दिन इसी सोच को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं कि तुम जिंदगी भर खाली गुलामी करते रहो, गुलाम बने रहो, इसीलिए वो जुगत में लगे हैं। और हम परेशान हैं, हमको क्या पड़ी है बताएं, मुझे 1,00,000 रुपये सैलरी मिलती है, मैं जो क्या पढ़ी है, मैं गाँव वहाँ घूमती हूँ पागलों की तरह, रोज शाम को ऑफिस के बाद 5 बजे तक यूनिवर्सिटी मुझे रोक सकती है, 5 बजे का टाइम मेरे बाबा साहब का है, 5 बजे का टाइम, 5 बजे के बाद का टाइम मुझसे कोई छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। बहुत लोग कहते हैं मैडम आप उस यूनिवर्सिटी में ब्राह्मणों गढ़ में रहकर ऐसा कैसे करें, हमको तुमको किसी ने रोका है? तुम्हारी नौकरी तुमको बाबा साहब ने दी है, उन लोगों ने थोड़ी दी है, BHU वालों ने नौकरी, तुम बाबा साहब के संविधान को पढ़ करके यहाँ तक तुम पहुँचे हो, अपनी योग्यता पे यहाँ तक पहुँचे हो, आरक्षण का तुमको लाभ मिला, तुमको किसी ने रोका है? तुमको भी 1,00,000 सैलरी मिल रही, मुझे भी मिल रही, आप तो प्रोफेसर, आपको 1,50,000 रुपए मिल रही होगी, 2,00,000 रुपए मिल रही हो, किसी ने रोका है आपको? लेकिन उस 1,00,000 रुपए सैलरी से आप 50,000 रुपए इंस्टॉलमेंट भरोगे अपने घर की, हाँ, बीवी को हर 6 महीने बाद एक अंगूठी खरीदवाओगे, बेटे को आप हर हफ्ते पिज्जा बर्गर खिलाओगे, तो इस काम के लिए नौकरी थोड़ी मिली थी आपको। एहसास करिए, बहुत दिन तक ये सुख सुविधा रहने वाला नहीं है, ये टेंट भीग गया है, बाबा साहब का संविधान भी ऐसे कचरा करने की कोशिश कर रहे हैं, SC ST एक्ट को जो कमजोर करने का प्रयास किया ये उसी संविधान को गीला करने का एक कदम है। तो देखिए हवा चल रही है, हवा चल रही है और ये टेंट धीरे धीरे सूख रहा है। तो भले मनुवादी हवा चल रही है तो क्या 2019 में अम्बेडकरवादी सुनामी ला करके इन सारी मनुवादी व्यवस्था को हम लोगों को भगा करके बाहर करना, निकाल के बाहर करना है। और ये महाराष्ट्र के ऊपर कर्जा है बाबा साहब का, कर्जा है मान्यवर कांशीराम का, दो दो महापुरुष आपकी इस धरती से निकल के गए और फिर भी आजादी के इतने साल के बाद में भी आप अपना शासन सत्ता नहीं लेकर के आए। 2019 में फिर ये लोग बोलेंगे तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है, आप इनसे पूछिए। और बल्कि मैं आपसे पहले पूछती हूँ कि मुझे एक बात बताइए, आपके आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? कोई मुसलमान कर रहा है बताइए, कौन कर रहा है? मनुवादी कर रहे हैं। आपके बेटे रोहित वेमुला को फांसी पर चढ़ने के लिए क्या किसी मुसलमान ने मजबूर किया था? आपकी बेटी आसिफा को 8 दिन तक मंदिर के अंदर बंद करके दरिंदों की तरह नोच के पत्थर से उसका सर फोड़ करके क्या किसी मुसलमान ने यह काम किया था बताइए? अभी उन्नाव में अपनी एक बेटी के साथ में इसी तरीके का काम हुआ, बलिया में अपनी एक बेटी को जिंदा जला दिए, रात में सो रहे थे, उत्तर प्रदेश में बलिया एक डिस्ट्रिक्ट है, यह काम किसी मुसलमान ने किया क्या? आपको जाति व्यवस्था में क्या किसी मुसलमान ने बांटा क्या बताइए? आपके साथ छुआछूत भेदभाव क्या कोई मुसलमान कर रहा है? आपको शासन सत्ता में आने से रोकने के लिए क्या कोई मुसलमान प्रयास कर रहा है? नहीं, तो फिर आपका दुश्मन मुसलमान कैसे हुआ? कैसे हुआ फिर? ये कैसे लोग हैं जो TV पे रोज बहस दिखाते हैं कि तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है, तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है? आज आप इस दीक्षा भूमि से मैं जो बात कह रही हूँ, रोजाना 1 घंटा
अपने समाज में निकलिए, भले 10 लोग हों, भले 20 लोग हों, और उनके बीच में जा करके बोलिए कि हमारा दुश्मन मुसलमान ना तो था, ना है और ना ही कभी होगा। और इसका प्रमाण भी मैं आपको दे रही हूँ, इसका प्रमाण भी मैं आपको दे रही हूँ कि जब हमारे बाबा साहेब लंदन में गोल में सम्मेलन में हमारे लिए 2 वोट के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी मोहम्मद अली जिन्ना और सर आगा खान नाम के 2 मुसलमानों ने बाबा साहब का सहयोग किया था, किसी मनुवादी ने नहीं सहयोग किया। हमारे बाबा साहब जब महाड़ में पानी का सत्याग्रह कर रहे थे, उस सत्याग्रह को करने के लिए भी एक मुसलमान ने अपनी जमीन दी थी, जिसपे बाबा साहब खड़े होकर के अपना भाषण किए थे। हमारे ज्योतिबा राव फूले जो औरत की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोले, उस स्कूल को खोलने के लिए भी उस्मान शेख नाम के एक मुसलमान ने अपनी जमीन दी थी। उस्मान शेख की पत्नी हमारी अजीज, हमारी अम्मी फातिमा शेख, वो दूसरी मुस्लिम महिला थी जिसने औरतों की शिक्षा के लिए माता सावित्री बाई फूले के साथ में रोज कीचड़ और गोबर सहती थी। हमारे बाबा साहेब जब संविधान सभा में नहीं जाने दिया इन लोगों ने, तो ये बोला था कि ये तेली तमोली कुनबी कुनभटो को क्या संसद में जाकर के हल चलाना है। इन्हीं लोगों ने बोला था, बाबा साहेब तुम्हारे लिए संविधान सभा की खिड़की दरवाजे तो क्या रोशन दान तक बंद है। और तब ऐसे हालात में मैंने अभी आपको बोला था ना कि बंगाल के 48% मुसलमानों ने बाबा साहब को चुन करके संविधान सभा में भेजा, जो बाबा साहब भारत का संविधान लिख पाए। तो कैसे दुश्मन हुआ आपका? आप मुझे ये बताइए कि हमारे बाबा साहेब जब मालवी जी, जिनके इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाती हूँ, मदन मोहन मालवी बाबा साहब के हाथों का पानी पीने के लिए तैयार नहीं थे, उस समय मौलाना हजरत मोहानी ने अपने घर में रोज़ा इफ्तार की दावत दिया और अपनी प्लेट में बाबा साहब को बैठा करके खाना खिलाया, तो मुसलमान ने तो आपके साथ छुआ छूत भी नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है, मैं धन्यवाद करती हूँ मैडम आपका, बेनजीर मैडम, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो हमारी बेनजीर मैडम के पास अवसर था पाकिस्तान जाने का, लेकिन मैं हाथ जोड़ करके आपको शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने कहा कि नहीं, ये भारत देश हमारी जन्मभूमि है, ये भारत देश हमारी कर्म भूमि है, अपने देश को छोड़ करके हम कहीं नहीं जाएंगे। तो जब ऐसा ऐसा हमारे मुसलमान भाइयों ने हमारे साथ में किया, तो आपका दुश्मन मुसलमान कैसे हुआ? तो आपका दुश्मन है कौन? सबसे बड़ी बात है, दुश्मन कौन है आपका, ये जानिए। आपका दुश्मन वो है जिसने आपको जाति व्यवस्था में बांटा, आपका दुश्मन वो है जो आपके बाबा साहब के संविधान को खत्म करने के प्रयास कर रहा है, आपका दुश्मन वो है जिसने आपके बेटे रोहित वेमुला को फांसी पे चढ़ने के लिए मजबूर किया, आपका दुश्मन वो है जो आपके आरक्षण का विरोध करता है, जो बाबा साहब की उंगली तोड़ता है, चश्मा तोड़ता है, हाथ तोड़ता है, और ये काम मुसलमान कभी नहीं करता। इसलिए 2019 में ध्यान रखिएगा कि आपको ये काम आज से शुरू करना है, अभी 7-8 महीना इलेक्शन के लिए है, ये काम आज से शुरू करना है। फिर से बोलेंगे ये सारे हिंदू एक हो जाओ, तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है, कहते हैं मुसलमान गद्दार है। अरे अगर मुसलमान गद्दार है तो इन गद्दारों को दामाद किसने बना के रखा है? हमने बनाया, हमने बनाया। तुम दामाद भी बना लो तो कोई बात नहीं, और हम एक साथ अमन चैन से रहने देंगे, रहने की कोशिश करेंगे, तो तुम हमको मारोगे? तुम हमको कभी इखलाक के नाम पे, कभी किसी के नाम पे तुम हमको मारोगे पीटोगे? ये सब काम हमारे लिए करोगे? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 2017 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ, इन लोगों ने यही नारा दिया, सारे हिंदू एक हो जाओ, तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है, और सभी लोगों को लगा कि सच में वो हिंदू हैं, और ये कहा कि चमारों को छोड़ो ये हाथी वाले हैं, अहीरों को छोड़ो ये तो साइकिल वाले हैं, और बाकी सबको कहा कि सारे हिंदू एक हो जाओ। सारे लोगों को गलतफहमी हुई कि सच में हिंदू है, इसीलिए फोटो दिखाए शाहरुख खान का, ब्याह करा दिए अमरीश पुरी से। यही हुआ उत्तर प्रदेश में 2017 में, और यह काम शायद महाराष्ट्र में रेगुलर होता रहता होगा। मुझे बहुत ज्यादा राजनीति की बात नहीं करनी, अंत में मैं आपको बस इतना कहूंगी कि जो हमने साहब कांशीराम का नारा था, उस नारे को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, और उस नारे को हम हर गांव में जाकर के, रोजाना हम गांव में जाते हैं, अपनी पूरी 2-1.5 महीने छुट्टी, गांव की जो छुट्टियां होती गर्मी की, वो हम गांव में अपने लोगों को जागरूक करने में लगाते हैं, और इसी नारे को हमने दिया है कि बहुजन समाज के 3 कप्तान, दलित, पिछड़ा और मुसलमान। इस नारे को आप महाराष्ट्र में भी चरितार्थ कीजिए। और एक नारा और इसके साथ साथ में चल रहा है, वो नारा हमने दिया है कि चमचागिरी छोड़ दो, शासक बनने पे जोड़ दो। चमचा बन के रहोगे तो थोड़े समय का फायदा होगा, राजा बन के रहोगे तो तुम्हारी अगली पीढ़ी भी राजा बनने के लिए ही हमेशा ख्वाब देखेगी, सपना देखेगी। तो इन्हीं सारी बातों के साथ में मैं एक मैंने फेसबुक पे ये पोएम पढ़ी थी, और इसी वजह से ये आवाज़ केवल मेरी नहीं है, ये आवाज़ आप सब लोगों की है, ये आवाज़ उस आसिफा बेटी की है, ये आवाज़ रोहित वेमुला की है, ये आवाज़ हमारे सारे बहुजन समाज की है। वो आवाज़ है कि जब जुल्मतें बढ़ जाएं बहुत,
ये जुल्म जो कर रहे हैं हमारे ऊपर, जब जुल्मतें बढ़ जाएं बहुत, एक लौ जलाना लाजिम है। जब हाकिम ही गुमराह करे, एक आवाज उठाना लाजिम है। जब कातिल संग हाकिम हो, हर लब पर एक पहरा हो, जब सहमी सहमी गलियां हो, जब खौफ का आलम गहरा हो, आवाम जगाना लाजिम है, आवाज उठाना लाजिम है। आवाज उठाने के लिए तैयार हो जाइए। जब कातिल उतरे सड़कों पर, ये मैं आसिफा के लिए डेडिकेट कर रही हूँ, जब कातिल उतरे सड़कों पर, जब मुनसिफ ही घबराने लगे, चार सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आकर के बोला था कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है, जब मुनसिफ ही घबराने लगे, जब ताले लबों पे लग जाए, जब अपने आग लगाने लगे, इल्ज़ाम लगाना लाजिम है, आवाज उठाना लाजिम है। हम गौरी लंकेश नहीं बनना चाहते, हम कलबुर्गी नहीं बनना चाहते, हम पंधारे नहीं बनना चाहते। जब ताकत सर पे चढ़ने लगे, जब जुल्म हद से बढ़ने लगे, जब आवाज उठाना जुर्म बने, जैसे 2 जनवरी को आप लोगों ने जो एकता दिखाई पूरे भारत को बंद करके, और वही एकता 2 अप्रैल, तो 2 लंबा लक्की हो गया है, ठीक है ना। अभी तक 1 नंबर लकी था, 1 जनवरी 1818 लकी था, अभी 2 जनवरी 2018 और 2 अप्रैल 2018 बहुत लकी हो गया है। तो जब आवाज उठाना जुर्म बने, जब लहू से लहू लड़ने लगे, यानी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को आपस में लड़ाया जाने लगे, जब लहू से लहू लड़ने लगे, जब तासुब उनकी फितरत हो, फिरका परस्ती उनकी आदत हो, जब दंगे ही दस्तूर बने, जब जड़ों में उनकी नफरत हो, बरहना है अमीरे वतन, बरहना का मतलब होता है नंगा, यानी जब फकीर नंगा हो गया है, यानी प्रधान सेवक जनता के सामने नंगा हो गया है, बरहना है अमीरे वतन, खुद तुमने जलाया मेरा चमन, उस तक पहुंचाना लाजिम है, इस देश के दुश्मन भगवों से भारत को बचाना लाजिम है, आवाज उठाना लाजिम है, इल्ज़ाम लगाना लाजिम है। हम सब भारतवासी एक हैं, ये हाकिम को सिखाना लाजिम है, नाम गिनाना लाजिम है, इल्ज़ाम लगाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है, आवाज़ उठाना लाजिम है। आवाज़ उठाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि खून में जितना उबाल ये मुसलमानों के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे आता है, अगर उतना हम औरतों के ऊपर हो रहे अत्याचार के नाम पे आता, तो शायद देश की हर बेटी, हर औरत महफूज रहती, हर औरत सुरक्षित रहती। तो चुनाव से पहले आप लोगों को इनसे पूछना है, मैं बस अपनी बात खत्म कर रही हूँ, ये इनसे पूछिए, आप हर चौराहे सट्टी पे पूछिए, बोलिए इनको, वो बात करेंगे ताज की, तुम बात करना आज की। पुराने जमाने की क्यों बात करते हो? वो बात करेंगे ताज की, तुम बात करना आज की, वो बात करेंगे शहनशाह की, तुम बात करना जय शाह की। जय शाह किसका बेटा है पता है ना आपको? हाँ, अरे वाह, क्या बात है, बड़ा जनरल नॉलेज तेज है आप लोगों का, लेकिन सरकारी नौकरी में इसलिए बोल नहीं सकते हम लोग ना। तो जब वो बात करेंगे शहनशाह की, तुम बात करना जय शाह की, वो बात करेंगे 3 तलाक की, आप बात कीजिए 15 लाख की, वो बात करेंगे गौशाला की, आप बात कीजिए पाठशाला की, वो बात करेंगे गाय की, आप बात कीजिए आय की, वो बात करेंगे पाकिस्तान की, आप बात कीजिए मेरा भारत महान की, वो बात करेंगे गीता कुरान की, आप बात कीजिए संविधान की, वो बात करेंगे कब्रिस्तान की, आप बात कीजिए नारी सम्मान की, वो बात करेंगे नफरत और दंगों की, आप बात कीजिए भूखे और नंगों की। बात बात कहती हमारी एक बेटी संतोषी झारखंड में मर गई, खाना नहीं मिला उस बच्ची को 3 दिन तक। वो बात करते हैं नफरत दंगों की, आप बात कीजिए भूखे नंगों की, और वो बात करेंगे मन की, आप बात कीजिए केवल और केवल काले धन की। इन सारी बातों के साथ में आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ध्यान रहे इस बात का ध्यान रहे, आग तो सबके अंदर है, चिंगारी सबके अंदर है, बस वो थोड़ी सी किक देना ज़रूरी है, थोड़ी सी चिंगारी लगाना ज़रूरी है, और इसीलिए ध्यान रखिएगा, खामोश रजामंदी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस मुल्क में जीना है तो कोहराम मचा दो, कोहराम मचाने के लिए तैयार हो जाइए। 2019 में वो कोहराम महाराष्ट्र में भी आना चाहिए, उत्तर प्रदेश में तो हम लोग संभाले ही हुए हैं, महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आप लोगों की है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, भंते चंद्र कीर्ति जी, सादर बंदामी, और सभी लोगों को जय भीम, नमो बुधाय, जय कांशीराम, जय संविधान, जय भारत। बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया टीवी, देखिए अपने मोबाइल पर कहीं भी कभी भी, आज ही आपके एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखें यूट्यूब पर भी, आप हमारे यूट्यूब पेज
youtube.com/awazindiatv पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज़।